हेलो दोस्त, मेरा डांस करने के मशीन के वीडियो लेके आता रहता हूँ, जैसे कैसे रिपेयर करते हैं, किस में क्या क्या काम करता है। तो वैसे मैं आज आया हूँ नेस्कैफे इनिजो मशीन को लेके कि उसमें क्या पार्ट लगता है और क्या दिक्कत होती है। तो मैं आप सबके सामने अभी मैंने वीडियो बनाया, मेरा तो देखते होंगे आप लोग कई बहुत सारी वीडियो के, मैं पैराग्राफ पे मतलब एक ही वीडियो बनाया था, बाकी जो जितना भी वीडियो देता हूँ वो लाइव ही देता हूँ। तो कृपया मेरे वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें, कुछ ना कुछ तो कुछ नॉलेज जरूर आएगा, कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगा। इसलिए ये जो मशीन है इसका नाम है इनिजियो, ये जो मशीन है ये इनिजियो है, और हम बताते हैं इसके बारे में क्या क्या होगा। जैसे कि मैं सभी मशीन के बारे में बताता रहता हूँ, इसमें क्या क्या कौन से पार्ट कहाँ क्या लगता है, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है मल्टी सप्लायर बोर्ड है जो कि वीडियो कनेक्टिविटी वगैरह को वो देता है, और ये जो है ये वीडियो ड्राइव है, और ये जैसे कि अपने सेफ की मशीन में देखेंगे सारे में जीपीएस लगा होता है, तो वही जीपीएस है, जो भी इसकी सिम लगा होता है। बट इसमें ये जो मशीन है ये वाईफाई के बिना नहीं चलती, वाईफाई या फिर हाईफाई नेटवर्क होना चाहिए, मतलब जिस सिम में हाईफाई नेटवर्क होता है वही मशीन, मतलब उसी नेटवर्क से मशीन चल पाती है ये। और ये देखेंगे आप किस साइड से है, बाकी बात ये मशीन सभी बंदे नहीं देखेंगे, इसका जो है ये इंपोर्टेड मशीन है। ये आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 गियर मोटर लगे हुए हैं, बट यहाँ जो है वो 3 ही हैं, और मशीन में आप सबको आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन टाइप का है, वही सेम कॉम्बिनेशन आपको दिखा देते हैं इसके एक साइड। ये जो नॉर्मली जो गिटर जो विपर मोटर जो लगता है वह वही है, और गियर मोटर इसके ऊपर लगता है, गियर मोटर आप देख सकते हैं, ये विपर मोटर है 3, और ये है स्टीम वॉलर, ये स्टीम वॉलर इसमें स्टीम बनाता है, और ये है हॉट वॉलर। ये देखेंगे आप, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि ये थर्मोस्टेट है, ये वाटर लेवल सेंसर है, और ये जो है ये डीबी है। मैं ना इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये खोल लिया है, और मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये जो एक हॉट सेंसर होता है जो 30 डिग्री पर जो काम करता है वो यही है हॉट सेंसर, आप देख सकते हैं। अगर ये फेल हो जाती है तो 95 डिग्री पर आके या 92 डिग्री पर आके ये जो थर्मोस्टेट है ये कटअप करता है हीटर को, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ काम कर रहा है। और ये है डीवी, डीवी देख सकते हैं ये, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 वाला यहाँ 4 डीवी है, वो इसलिए है जो एक जो डीवी है वो है हॉट वाटर के लिए, ओनली सिर्फ हॉट वाटर निकालता है इसके लिए है। इस तरफ से देखेंगे जो कि मैंने हीटर और इनलेट वगैरह सारा चीज़ पहले ही वीडियो में बता रखा है, जैसे कि ये स्टीम है, और यह एयर वॉल है, एग्जस्ट है। और इसमें जो मशीन में जो मेन प्रॉब्लम जो आती है, एक लोड बोर्ड नॉट फाउंड के और नेटवर्क इशू आता है मोटर नॉट फाउंड, इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये मशीन जो है ना, जो फ्रेशर बंदा वो ये इस मशीन को बिल्कुल टच ना करे, क्योंकि इस मशीन में एक के बाद एक दिक्कत आने लगती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ एंड्रॉयड डिस्प्ले लगी पड़ी है, ये जो मशीन है एंड्रॉयड है, आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ी डिस्प्ले है, एलईडी डिस्प्ले है, एलसीडी, और ये फ्लो मीटर है, आपको पता ही होगा आपने अगर मशीन लिए होंगे तो टेक्सन वगैरह को पता होता है, फ्लो मीटर होता है स्टीम के लिए होता है ये। और हम देखेंगे इसका जो स्विच वगैरह जो होता है और फ्यूज, ये देखेंगे आप, यह 10 एम्पियर फ्यूज़, ये भी 10 एम्पियर फ्यूज़, ये 5 एम्पियर मैन स्विच, हम बता देते हैं किस किस का है। ये जो 10 एम्पियर फ्यूज़ है ये हमारा ऊपर वाला वॉलर है, ये ऊपर वाला, और ये जो है ये है नीचे स्टीम वॉलर का जिसमें हीटर लगा पड़ा है। ये जो 5 एम्पियर फ्यूज़ है वो है मदरबोर्ड के लिए, लोड बोर्ड नॉट फाउंड के लिए, ठीक है। और इसमें जो है वो इंपोर्टर जो पिन आता है, इंपोर्टर केबल वो लगता है इसमें, इसमें लोकल केबल नहीं लगता है। कई लोग जो प्रिंटर वगैरह का केबल लगा देते हैं वो नहीं लगता, वो इसमें नहीं लगता, वो अमेजोन का अटलांटिस वगैरह का मशीन होता है उसमें लगता है। और देखेंगे जैसे मैंने पंप बताया था जो 230 वोल्ट का है, वो इसमें भी सेम ही है। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये एयर के लिए होता है, क्योंकि इधर से कनेक्टिविटी है और अंदर से पाइप जाता है, यहाँ से प्रेशर के थ्रू इसके अंदर पाइप जाता है। ये जो होता है ये आप देखेंगे दिखने में नॉर्मल लग रहा है, बट ये बहुत हार्ड है, अगर किसी के अगर मारा जाए अगर तो आर पार कर देगा, इतने ज़्यादा हार्ड पाइप है ये। तो कृपया आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा लेके आऊँगा आप लोगों के नॉलेज के लिए। और हाँ, जो फ्रेशर बंदा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो फ्रेशर बंदा है इस मशीन को बिल्कुल टच ना करे।
अगर किसी को अगर करना भी है तो एक बार कॉल कर ले मुझे कि ये मशीन कहाँ पे क्या है और कैसे ओपन होती है। और ये जो है ये वाईफाई पे चलती है, मैं अभी भी बता रही हूँ वाईफाई पे मशीन चलती है, ये नॉर्मल मशीन टाइप से अलग है ये। अगर इसके अंदर नेटवर्क नहीं मिलेगा तो मशीन ऑपरेट नहीं होगी है, खास करके बेसमेंट में कहीं नहीं चलती, और जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती है जहाँ की नेटवर्क इश्यू होता है उस जगह पर मशीन नहीं चलती। ये जो है वीडियो ड्राइव, इसमें एसडी कार्ड लगता है दोस्त, ये देखेंगे मैं एक और दिखा देता हूँ, ये देखेंगे ये है, इसमें एसडी कार्ड लगते हैं।